नमस्कार सलाम। साथ में आज हमारे बहुत ही पुरानी सामाजिक कार्यकर्ता कहो राजनीतिक हस्ती कहिए प्रिया दत्त जी, जो दो बार हमारे सांसद रह चुके हैं मुंबई उत्तर पश्चिम से, और उनके पहले उनके पिताजी भी 5 बार शायद सांसद रह चुके थे। प्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी बिल्कुल कूद गई है मैदान में सिर्फ जकारिया के लिए जी। तो सुन, आपसे मुझे ये सुनना था कि मुद्दे ये चुनाव में क्या है बम्बई के लिए और महाराष्ट्र के। देखिए, मैं अपने मुंबई के लिए बात कर सकती हूँ यहाँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और पहले तो मैं एक राजनीतिक स्तर पर यहाँ नहीं उतरी हूँ आसिफ के लिए, मैं एक नागरिक की तरह उतरी हूँ। मैं समझती हूँ हर नागरिक का एक फ़र्ज़ बनता है कि चुनाव के दौरान एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। हम समझते हैं कि हमारा रोल एक ही है, चलो कभी वोट दे देते हैं तो कभी वोट नहीं करते, बट आज के जो माहौल आप देख रही हैं, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर नागरिक निकल कर आए, सिर्फ वोट ही ना देने के लिए लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करके एक इंसान को सपोर्ट करने के लिए, एक कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए ओपनली, और वो नहीं हो रहा है। यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोग चुप हो गए हैं, पहले ये नहीं होता था। डर के मारे? बिल्कुल। मैं भी यहाँ सांसद रह चुकी हूँ, मेरे पिताजी सांसद रह चुके हैं, हमारे MLA थे, हमारे कॉरपोरेटर थे, और मेरे यही एक बिल्डिंग में मेरी ऑफिस भी थी, और हमेशा हम देखते थे कि लोग भर भर कर मोर्चा लेकर आ जाते थे या प्रोटेस्ट लेकर आ जाते थे या सिर्फ हमें कंप्लेंट्स लेकर आते थे और हम बैठ के उनकी बातें सुनते थे। आज ये नहीं हो रहा है, मतलब ये नाता टूट गया है। नाता बिल्कुल सिटीजन्स के साथ और राजनेताओं के साथ टूट गया है। जब हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, पहले क्या होता था कि हम कंसिडर जो आवाम की आवाज़ है उसको सुन के फिर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाते थे। आज डेवलपमेंट सब जगह हो रहा है, सब जगह क्योस है, लोग बहुत ये झेल रहे हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं। जो बात प्रिया दत्त जी कह रही है वो मतलब बेहिसाब एक राजनेता और बिल्डर पॉलिटिशियन नेक्सस की वजह से पूरे बम्बई को एक कंस्ट्रक्शन हब बना दिया गया है, बिना सोचते समझ के कि कितने लोग बस सकते हैं, क्या पानी बिजली काफ़ी होगा कि नहीं शहर के लिए, डेवलपमेंट प्लान की ऐसी की तैसी हो गई है। तो और न सिर्फ महानगर पालिका के चुनाव भी हुए हैं, 3 साल से महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए हैं। तो जो कुछ भी आप सब जानते हैं कि महानगर पालिका में बहुत आई थिंक रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रही है पूरे इंडिया में, मुंबई की, और यहाँ से इतने पैसे अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हैं, और आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ खर्च हो रहे हैं ये पैसे। हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। बांद्रा भी एक ऐसी जगह थी, पहले CRZ था तो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था बिल्डिंग्स का, अब जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उन रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, लेकिन आई फील कि एक प्लान ऑल्सो होना चाहिए प्लेस में, क्या कैपेसिटी क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या हमारे पानी का पाइप मुद्दा है, पर्यावरण का बिल्कुल, ऐसा तो ऑफकोर्स अगर आप पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग और भी बेहतर रहे, सो देयर इज ऑब्वियसली नो ऑपोजिशन टू दैट, बट किस तरह से हो रहा है उसकी एक हमें देखना चाहिए। सेकेंडली, SRA के बहुत मुद्दे हैं, सब मोर देन रीडेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स, जो SRA के मुद्दे हैं वो बहुत बड़े मुद्दे हैं। इसको थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए, क्योंकि आपने कहा भी कल के भाषण में शायद कि इन सिटू होना चाहिए, कि वही जगह पे वही इलाके में रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, आप उठा के कहीं और नहीं फेंक सकते। बिल्कुल, SRA के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप देखें कि एक बहुत बड़ा स्लम पॉकेट हो तो वो क्लस्टर डेवलपमेंट में चला जाता है या SRA प्रोजेक्ट में चला जाता है। बिल्डर्स को ये कहा जाता है कि जितने पात्र लोग हैं उनको आप रिहैबिलिटेट करेंगे एक SRA बिल्डिंग बना के, और रेस्ट आप वो कमर्शियल बना सकते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे लोग इतने साल हो गए हैं, उनके घर टूट गए हैं, उनका कुछ उनको रेंटल भी नहीं मिल रहा है आज, ना ही उनको घर मिल रहा है, और SRA ऐसे ही पड़ा है। और बहुत सारी जगहों पे
हम अभी देख रहे हैं कि धारावी की भी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट आने वाली है, लेकिन प्लान क्या है? हाँ, जो इतने हजारों में लोग बसे हुए हैं उनका क्या प्लान है, वो प्लान पहले बताइए। 10 लाख लोग धारावी में हैं, धारावी सिर्फ 5 लाख लोगों को वहीं देने वाले हैं, फिर 10 लाख को कहाँ फेंकेंगे? बिल्कुल, परसों हम मलाड में थे ऑरलैंड में, ऑरलैंड के लोग बोल रहे थे 20,000 लोग यहाँ लाने वाले हैं, तो ऑरलैंड का कैपेसिटी, मलाड का कैपेसिटी, फिर जहाँ भी आप, बहुत लोग कभी मानखोड़ तो कभी चेंबूर तो कभी ऑरलैम, जहाँ जहाँ पीएपी उन्होंने बनाया, सॉल्ट पैंड लैंड अभी उन्होंने ले लिया, वहाँ एक फैमिली को एक जगह से उठा के जहाँ वो 40-50 साल से रह रहे हैं, उनके रोजी रोटे हेल्थ के है, लाइवलीहुड के है, स्कूल्स हैं, और आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ उनके लिए कोई सुविधा नहीं, तो ये सब सोच जो होनी चाहिए। यू नो, एक बार हम लोग के विले पार्टनर में एक एसआरए हो रहा था, और वहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ जगह नहीं है आपकी पीएपी बनाने के लिए, आपको हम मानखोड़ शिफ्ट करेंगे। हम लोग ने कहा कि बिल्कुल नहीं, पहले हम जाके देखेंगे मानखोड़ की क्या हालत है, बिकॉज हम लोग ने सुना था कि बहुत टेरेबल था वहाँ, ना ही स्कूल ना ही हेल्थ केयर, वहाँ बिल्डिंग को पहुँचने में आपको गटर नाला के थ्रू जाना पड़ता था। And at that time, I remember I had taken the municipal commissioner with me. I said, you आप लोगों को यहाँ भेज रहे हो, आपने खुद आके देखा है कि ये किस तरह के स्थिति में रह रहे हैं? So, जब तक हम देखिए, हम अपने घरों में बैठ के ये बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको तो घर मिल रहा है, आप तो झोपड़पट्टी से निकल के घर में जा रहे हो, बट हम कभी जाके देखते नहीं कि कैस किस तरह की स्थिति में जा रहे हो। तो आई थिंक वो जो इन सीटू डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं, और ये एक प्रोविजन है लॉ में कि जहाँ लोग होना चाहिए उनको वहीं रिहेबिलिटेट करना चाहिए। यू नो, एंड दे मस्ट, देखिए, इफ़ आई एम डिवेलपिंग समथिंग इन माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एक बिल्डर के साथ से, हमें 2 साल में ये बिल्डिंग कम्प्लीट चाहिए, अगर 2 साल में बिल्डिंग कम्प्लीट नहीं हो गए, ये आपको लागू होगा, ओके, नहीं तो आपसे ये प्रोजेक्ट ले जाए होगा, एंड विल गिव इट समय, व्हाटएवर। सो दे हैव दिस प्रोविजन शुड बी देयर टू सेफगार्ड द पीपल, एंड वही हम कह रहे हैं। इश्यूज देखिए उनके, जब हम देखते हैं कि आज की सरकार सिर्फ जो बड़े बड़े चीज़ें दिखा रही हैं लोगों, ये फ्लाईओवर बन गया, ये मेट्रो बन गया, ये अंडरग्राउंड टनल बन गया, फैंटास्टिक, इट्स ग्रेट, अटल सेतु में भी प्रॉब्लम आए ना सड़कों में, सड़कों में प्रॉब्लम आए, शिवाजी महाराज की जो स्टैचू बनी थी इतनी जल्दबाज में वो गिर गई, यू नो, सो आई मीन दीज आर इश्यूज विच यू हैव टू लुक एट। और मैं, हाँ, और जब हम लोग लोगों से भी बात कर रहे हैं, जिससे देखिए हमें किसी की परवाह, चीज़ की परवाह नहीं, हम हमारे रोज़ की ज़िंदगी की परवाह करते हैं, और महंगाई भी बढ़ गई, महंगाई, सब्जियाँ दाम, खाना पीना, तेल, पानी नहीं है जगहों में, एक जमाना था कि प्याज के दाम को लेकर इलेक्शन उतरते थे, अब तो उसकी बात भी नहीं हो रही है। यू नो, फिर थोड़ा सा वो बता देंगे, अरे हम आपको ये फ्री दे देंगे, ये इलेक्शन के पहले ही क्यों होता है सब? आसिफ जकारिया जी का जो जी मैनिफेस्टो है जी, जो हमने देखा है बांद्रा के लिए, उसमें खास खास बातें क्या है? तो वो जब काम करते हैं बहुत सलीके से काम करते हैं, सिटीजंस को लेकर काम करते हैं, यू नो, वो कभी नहीं बोलेंगे मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। हिज विजन इज टू हैव अ सस्टेनेबल एच वेस्ट वार्ड, नॉट के यू नो आज ये खोदा तो वो वहाँ खोदा और ये फिर ऐसे ही पड़ा रहा, वो वैसे वही हो रहा है आज। और बेसिक चीज़ें जैसे SRA के इश्यूज हैं, पानी के इश्यूज हैं, दो इट इज़ मोर कॉरपोरेटर्स वर्क, बट व्हेन आई वाज MP मैं वो भी वही कर रही थी। You cannot ignore it. नहीं, और फिर विधानसभा में तो बात उठानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी।
आप यू नो हम बोलते हैं, हम सिर्फ एक स्लम को बाहर से देख लेते हैं, वो इतना गंदा है, इतना ख़राब है, हमारे पूरे बांद्रा को ख़राब कर रहा है, बट अंदर जो हो रहा है, अंदर जो ज़िंदगी लोग जी रहे हैं उसको हम कभी नहीं देखते। आपके जो हमारे ये इलाके में बांद्रा वेस्ट में और बाकी बम्बई में भी है, जो हॉकर्स जोन्स के लिए, जो फेरी वालों के लिए कानून बना था 2014 जी जी, वो लागू नहीं किया हाँ। और उनके खिलाफ पुलिस का डंडा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और ये हमारे ज़माने में हुआ था, वो हॉकर्स पॉलिसी बनाई गई थी, करेक्ट, यू नो दैट वी सेड दैट ये भी उनकी रोजी रोटी है, दे नीड, यू नो आई मीन टुडे यू लुक एट दिस कंडीशंस, देयर इज नो जॉब्स, और लोग सब खरीदते हैं। अब देखिए तो एक जोन्स बनाने चाहिए उनके लिए, और लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। अभी इलेक्शन के बस 4-5 जी सोमवार की शाम तक प्रचार बंद हो जाएगा 18 को जी, और उसके बाद बुधवार, अगले बुधवार को इलेक्शन है, आज हम लोग गुरुवार को बात कर रहे हैं जी, कुछ और फिक्र है क्या कैंडिडेट को, जैसे आप कैंडिडेट की इतनी करीबी आप कैंपेन कर रहे हैं कि, क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं कि क्या निष्पक्षता से चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर्स का बर्ताव, EVM, बैटरी मशीन्स, ये सब चीज़ों को लेकर। जी देखिए, EVM और मशीन्स के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते जब तक देर इज़ नो प्रूफ अबाउट इट। एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, बट रियली कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं कि उसको इग्नोर किया जाता है। अगर हम यू नो इलेक्शन कमीशन RO के पास भी जाते हैं कि ये देखिए, दे हैव वायलेटेड सो मेनी थिंग्स यू नो एंड व्हाई नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, तो वो एक पेपर वर्क की तरह वहीं पड़ा रहता है, यू नो देर इज़ नो एक्शन टेकन ऑन एनी ऑफ दिस। ऑफकोर्स अगर वहाँ उल्टा से हमारे ऊपर कुछ आता है तो एक्शन ऐसे लिया जाता है। सो ये सब चीज़ें आई थिंक हमें you know deal we have to deal with it, and unfortunately you know it should, and I only wish that it should be a very fair play, or that is what elections are all about, and haar aur jeet to hoti rehti hai sabki, you know it should be taken in spirit, and jo log chahte hain wo hona chahiye, jo you know main samajh, jab log vote karne utarte hain, it's a secret ballot, koi nahi janta wo kisko vote karenge, हम कह सकते हैं कि वो हमारा वोट है, वो इसका वोट है, बट जब एक इंसान एक वोट देने जाता है, बहुत सोच समझ कर वोट देता है, यू नो इवेंचुअली वो उसकी ज़िंदगी की सवाल होती है, 5 साल व्हाट हिज लाइफ इज़ गोइंग टू बी डिपेंड्स ऑन व्हाट हिज वोट इज़। पहले ज़माने में जब आप रहती थी सांसद, आपके पिताजी रहते थे उस ज़माने में, एक नाता रहता था प्रतिनिधि और जनता के बीच, बिल्कुल आवाम के बीच में, कि आवाम डरती नहीं थी कि इलेक्शन करने के बाद भी, चाहे वो अपने वोटर हो या ना हो, जाके कुछ मांग रखना, करेक्ट, MP के सामने, MLA के सामने, वो आपको क्यों लगता बंद हो गया? आई थिंक एक किस्म का जैसे डर बैठ गया है। मैं छोटी सी बात बताऊंगी आपको, जब हम थे यू नो इन राजनीति में थे, बहुत आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बहुत पोस्टर्स लगते थे, देयर टू बी पोस्टर वॉल्स, हम लोग कहते थे कि वहाँ उसकी शक्ल नहीं हुई है, वो उसका नहीं हुआ है, और सब जगह पोस्टर, और जैसे सिटीजन्स बहुत फेडअप हो गए थे कि यू नो सब जगह आप देखें, हमारे बिल्डिंग पे, हमारे रोड पे पोस्टर्स, इट लुक्स अगली, इट मेक्स द होल प्लेस अगली, एंड वी अग्रीड, सेड नहीं, वी विल टेक अ कॉन्शियस एफर्ट, BMC का में ये सब हुआ, BMC सेड नो पोस्टर्स इन दीज एरियाज एंड थिंग्स लाइक दैट, देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज आप जाके देखिए एंड यू सी बांद्रा, देर इज पोस्टर्स एवरीवेयर, और कोई अपनी आवाज नहीं खोल रहा, मतलब वन साइडेड हाँ, वी हार्डली पुट अप पोस्टर्स, यू कभी दिखाए यू नो डाल देंगे तो डाल देंगे, बट देर इज जस्ट, देर इज नोबडी हु स्टैंड्स अप एंड सेज लिसन वी डोंट वांट दिस। एट आर टाइम जो ALMs थे, we had made and empowered the ALMs, they could call up the BMC and say that this work needs to be done in our area, and वहाँ वो कर पाते। तो जब तक हमारा लक्ष्य ये था कि आप citizens को empower कीजिए, आवाज़ उठाने की जो ताकत होनी चाहिए, और ताकत होनी चाहिए, हम उनके representative हैं, you know हम उनके माए बाप नहीं हैं, correct? So एक kind of synergy होनी चाहिए between citizens and elected members. Indian National Congress, Shiv Sena, UBT,
और एनसीपी, मतलब वेरी अनलाइकली कॉम्बिनेशन। अगर आप 10 15 20 साल पहले की अगर राजनीति देखें महाराष्ट्र में जी, आपने तो खुद बहुत करीबी से देखा है। ये क्या नया जो एक समीकरण हुआ है जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है उसके वजह से, तो आपको लगता है कि एक तरह का समर्थकों के बीच में एक तरह का इसकी समझ बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आई फील डेफिनेटली बन रही है। नाउ यू लुक एट इट, ऐसे जो डिवाइड हो चुके हैं, शिवसेना की भी डिवीजन हुई है या एनसीपी की डिवीजन हुई है, दे हैव टेकन दो साइड्स, इट्स द कंप्लीट पोल्स अपार्ट, यू नो द थॉट प्रोसेसेस आर पोल्स अपार्ट, एंड आई गेस दैट्स व्हाई इट्स टेकन द टू साइड्स। आई थिंक जो एमवीए की एमवीए गट है, इट इज़ मोर मॉडरेट, इट वर्क्स कलेक्टिवली टुगेदर, यू नो, हम कुछ, आई डोंट थिंक दे टॉक अबाउट जस्ट वन रिलीजन, और दे हैव टू टॉक अबाउट रिलीजन एट ऑल, बिकॉज आई थिंक पॉलिटिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, यू नो, इट इज़ टू डू विद पीपल इन योर कंट्री, एंड इन आर कंट्री एवरीबडी इज़ एन इंडियन, सो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस, वेयर वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट रिलीजन और हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, दलित कौन है, सिख है, ईसाई है, वो सब हैं हमारे देश में, एंड वो सब हिंदुस्तानी हैं आखिर में, और सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस, एंड आई थिंक लोग ये समझने भी लगे हैं, पहले शायद एक बहुत वो यू नो जोश था, एंड वो उन्होंने एक नेशनलिज्म का मुद्दा बना दिया था, but today people do realize that what is the beauty of our country, the beauty of our country is that we all are here in it together, and it is one of the most vibrant democracies, and we want to let it remain like that, you know, ek aam aadmi thodi na chahta hai, wo kabhi aisa sochta bhi nahi hai, hum agar jhuggi jhopdiyon mein jaye to hindu musliman sikh isai sab saath mein rehte hain gali mein, ha ek dusre ke tyohar mein rehte hain aur ek dusre ke bilkul sab kuch bilkul, aur kal hi jaise main gayi thi वहाँ तुलसी पूजा चल रही थी एक बस्ती में, यू नो, और वहाँ सब आ रहे थे, हाँ, हमें ऐसे लगा भी नहीं यहाँ ये मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या कोई है, बट सब एक दूसरे को मिल रहे थे, तो आई थिंक दैट इज़ द सो ब्यूटीफुल अबाउट दिस कंट्री। फिलहाल आदित्य जी भी आपके साथ कैंपेन कर रहे हैं जी, और उद्धव जी भी पूरे महाराष्ट्र में कैंपेन लगे हुए, पवार जी भी लगे हुए हैं जी, तो ज़्यादा दिन नहीं है, अगले शनिचर को पता चल जाएगा, अगर आपको ये इलेक्शन से उम्मीद है? मुझे बहुत उम्मीद है, एंड देखिए मैं सिर्फ एक ही परिसर में हूँ एंड मैं यहाँ फोकस कर रही हूँ, तो हमें जैसे जो फीडबैक मिल रहा है, रिस्पांस जो मिल रहा है, वो बहुत अच्छा है, और लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, चेंज हो, यू नो, एक नई दिशा से आगे बढ़े, तो ये मुझे महसूस हो रहा है। चलो, साइलेंट क्रांति क्या इलेक्शन के जरिए होगी कि नहीं हमें पता चलेगा। प्रिया दत्त जी जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी, वो गए मुझे लगता है 4 हफ्ते से लगातार जी, आसिफ जकरिया जी के लिए बांद्रा वेस्ट में, बम्बई का एक छोटा सा भारत जैसे उन्होंने कहा, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ सेंट्रल में, नॉर्थ सेंट्रल में, पहले नॉर्थ वेस्ट में रहा जी, और उम्मीद रख रही है कि बम्बई में भी परिवर्तन आएगा और महाराष्ट्र में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।